नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अदिति त्यागी। रात के 8 बजने वाले हैं वो जी न्यूज पर। ये वक्त है बड़े मुद्दों पर बड़ी बहस का, और हमारा आज का मुद्दा है पाकिस्तान। कोई मुल्क कितना नॉन सीरियस हो सकता है, किस तरह सारी सीमाएं तोड़कर सफेद झूठ बोल सकता है, इसकी बेहतरीन मिसाल पाकिस्तान और उसके नेता है। अपने ही झगड़ों में फंसे हुए हैं, और इसमें भी पाकिस्तान से बेहतर मिसाल आपको नहीं मिलेगी कि किस तरह से वहां पर इंटरनल फाइट्स हो रहे हैं। दुनिया कहां से कहां पहुंच रही है, लेकिन पाकिस्तान में औरत मर्द के झगड़े ही खत्म नहीं हो रहे, वो भी टॉप लेवल पर। तो आज हम आपको पाकिस्तान के 3 तमाशे दिखाने वाले हैं। सबसे पहले तो पाकिस्तान की मोदी वाली मजबूरी की बात की जाएगी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर अपने गुजरात वाले विवादित बयान को दोहरा दिया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि वो मोदी पर अपने बयान पर कायम है, और उन्होंने वही कहा जो मोदी के बारे में भारत के मुसलमान सोचते हैं। यानी गुजरात हिंसा में प्रधानमंत्री मोदी को कभी क्लीन चिट मिल चुकी हो कभी की, लेकिन बिलावल भुट्टो फिर भी वही रट लगाए हुए हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मोदी मोदी नहीं रटेंगे तो पाकिस्तान में ज्यादा दिन चलेंगे नहीं। अगर हाइट हासिल करनी है तो मोदी के खिलाफ तो कुछ ना कुछ बोलते ही रहना होगा, जैसे इमरान खान नियाजी करते रहे हैं, हालांकि वो नरेंद्र मोदी की तारीफ भी करते हैं। जब सत्ता में थे तो मोदी के खिलाफ बोलते थे, अब सत्ता से बाहर है तो मोदी की विदेश नीति के गीत गाते हैं। बात इमरान खान नियाजी पर आई है तो बता दें कि कुर्सी तो पहले ही जा चुकी थी, सरकारी खजाने में हेरा फेरी में फंसे ही हुए थे, और अब तो चरित्र को लेकर भी फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। इसी के साथ पाकिस्तान में तीसरा तमाशा है विदेश राज्य मंत्री हीना रब्बानी खार को लेकर। शाहबाज सरकार ने तालिबान से बॉर्डर का झगड़ा सुलझाने के लिए हीना रब्बानी को अफगानिस्तान क्या भेज दिया, कट्टरपंथियों ने आसमान सिर पर उठा लिया। तकलीफ बस इतनी है कि दाढ़ी वाले मौलानाओं के बीच में एक औरत को क्यों भेज दिया, कोई मर्द मंत्री नहीं भेजा जा सकता था क्या? इन तीनों ही तमाशों पर आपको पाकिस्तान में जो कंफ्यूजन है वो हम दिखाएंगे। कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं, लेकिन ये टीजर रिपोर्ट देखिए आप। Osama bin Laden is dead, but Gujarat lives, and he is the Prime Minister of India. तो कई खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ हैं। हमारे साथ तारिक फतेह कॉलमनिस्ट हैं, हमारे साथ अमजद अयूब मिर्जा एक्टिविस्ट हैं, हमारे साथ नादिर नबील गबोल हैं, TPP बिलावल भुट्टो जरदारी की पार्टी है। इसके अलावा आपको बता दें उज्मा हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल तो मेरा यहाँ पर नादिर नबील गबोल आप ही से, और सवाल ये है कि पाकिस्तान में अगर नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें नहीं होंगी तो क्या पाकिस्तान में वोट बैंक सुरक्षित नहीं रहेगा? अगर एंटी इंडिया बातें नहीं होंगी तो काम नहीं चलेगा? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। असल में वो माहौल ऐसा बन गया था, बिलावल साहब से सवाल इस तरह का उल्टा किया गया था उसामा बिन लादेन के बारे में, तो उस बिलावल साहब फैक्ट्स और हिस्ट्री के बारे में बात कर रहे थे। इंडिया के भी ऑडियंस को और दुनिया के ऑडियंस को और जो आपके जो फॉरेन मिनिस्टर थे उनको याद दिला रहे थे कि फैक्ट और हिस्ट्री यही बताता है कि इंडिया के अंदर 2002 में गुजरात राइट्स में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया गया था, जब यही मोदी साहब वहां के CM थे और उन्होंने पुलिस को रोका था इंटरवीन करने से। 20,000 से ज्यादा मुसलमानों को बेघर किया गया था, उनके घर जलाए गए थे। जानकारी है कि उन्हें रोका गया था, पुलिस को इंटरवीन करने से रोका गया था? पुलिस ने अगर रोका नहीं गया तो फिर क्यों नहीं उन्होंने बचाया? 1,000 लोग मर गए। आपको ये पता है जिन दंगों की आप बात कर रहे हैं उसमें हिंदू भी मारे गए थे, आपको पता है? नहीं नहीं, मैं आपसे सवाल पूछूंगी ना, आप ये बताइए ओसामा बिन लादेन को कौन सी कोर्ट ने क्लीन चिट दी थी? दुनिया की कौन सी कोर्ट ने क्लीन चिट दी है? बात है ना, जो आपके इंडिया के कोर्ट्स हैं वो प्राइम मिनिस्टर के प्रेशर में आ गए होंगे। अच्छा, इंडिया की आपको ये पता होना चाहिए इंडिया के कोर्ट्स ने हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर के इलेक्शंस रद्द किए हुए हैं, ये आपको पता होना चाहिए। इंडिया की जुडिशरी है कितनी स्ट्रांग है और कितनी बार गवर्नमेंट के खिलाफ जाकर फैसले सुनाए ना, ये आपको पता होना चाहिए। जमहूरियत है इंडिया, ये आपको पता होना चाहिए। दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है इंडिया। हाँ, इंडिया में सब मोदी से डरते हैं, चाहे कोर्ट्स हो चाहे आप जर्नलिस्ट हो, सब। और आप यहाँ बैठे हुए हैं, सब नरेंद्र मोदी से डरते हैं, और इस मुद्दे पर मैं बहस कर रही हूँ और आप यहाँ पर बैठे हुए हैं डिबेट में। हाँ, किसी ने सब नरेंद्र मोदी से डरते हैं ना, आपको दूसरा साइड पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए। अच्छा, मुझे नरेंद्र मोदी से डरते हैं और नरेंद्र मोदी ये चाहेंगे कि दूसरा व्यू पॉइंट आए और आप ये सब बोले उनके बारे में? आप ऑडियंस नहीं, आप क्या बातें करते हैं जनाब, क्या बातें करते हैं आप जनाब? आप खुद समझ रहे हैं आप क्या बोल रहे हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं नरेंद्र मोदी से सब डरते हैं, दूसरी तरफ आप ये कह रहे हैं नहीं, नरेंद्र मोदी चाहते होंगे कि दूसरा व्यू पॉइंट आए। वो व्यक्ति जो ये चाहेगा कि दूसरा व्यू पॉइंट आए वो क्या होगा, उसके प्रिंसिपल्स क्या होंगे, मुसलमान मुझे बताएं कितने हजार मारे गए?
आप मुझे ये बताएं गुजरात में कितने मुसलमान मारे गए थे, आप मुझे आपका बताएं। यही यही आपकी दिक्कत है, यही कंफ्यूजन है कि आप सोचते कुछ है, बोलते कुछ है नहीं, और करते मुझे कुछ और कंफ्यूजन ही है। कुछ नहीं है, आप मुझे बताएं कितने मारे गए थे, कितने नहीं, आप मुझे कत्ल ये गए थे। बताएं कि आपके यहाँ पर कोर्ट्स एग्जिस्ट नहीं करती, इंडिया में कोर्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, आप थोड़ा सा होमवर्क किया हमारे करें। पास भी मैंने कोर्ट्स आपको पिछली एग्जिस्ट बार भी करते कुछ हैं, बातें हमारे बताई थी। अच्छा हमारे ये कोर्ट्स बताएं, ने आप नरेंद्र मेरे मोदी को पार्टी के कहीं से क्लीन फाउंडर चिट शहीद मिली उल्टिकर थी? अली भुट्टो को आपको बताएं जुडिशियल नरेंद्र मर्डर मोदी को किया कहीं से क्लीन था, चिट मिली? और कहीं से हमारे नहीं, जो कोर्ट्स देश की हैं सर्वोच्च उनसे अदालत तक से जुल्फिकार क्लीन चिट मिली है ईरानी को भाई। डिनाइल किया आपके था, घर में ओसामा हमारे बिन लादेन कोर्ट को मारा में गया बहुत था, सारे आपके घर में हैं, है हाफिज सईद, मसूद आपके घर में है मसूद अजहर, आपके घर में है जकीउर रहमान लखवी, कौन है मसूद अजहर, आपके घर में है सैयद सलाउद्दीन। ठीक आपका प्राइम है, आप मिनिस्टर पहले इन लोगों को नरेंद्र संभाल मोदी मुझे लीजिए, पता है, इन्हें संभाल मुझे पता है लीजिए, टीटीपी को आपके संभाल जो लीजिए, नरेंद्र तब मोदी हैं दूसरे वो मुल्क की चिंता आरएसएस के कीजिएगा, फ्रेंड हैं, मुझे पता तब है दूसरे आरएसएस मुल्क की कहता है कि चिंता इंडिया कीजिएगा। से और आपको ये पता होना सिर्फ चाहिए, इंडिया पर्सन में से, वोट मुझे करने पता है जाते हैं आरएसएस हम, कहता है कि इंडिया में वोट हिंदू करता रूल है यहाँ होना पे चाहिए, वोटर, और अपना प्रधानमंत्री चुनता है, अपनी सरकार चुनता आरएसएस है। क्या कहता है कि ये आपको हिंदुस्तान पता सिर्फ होना हिंदुओं चाहिए, के शायद लिए, कि आपको बात पता नहीं, सही यहाँ है पे या नहीं फौज है। नहीं आती है, यहाँ फौज नहीं आती पप्पेट बैठाने के लिए, कठपुतली नहीं बैठाए जाते इंडिया के इतिहास में, कभी पाकिस्तान कोई में भी कठपुतली इसका आगे नहीं प्रधानमंत्री नहीं आएगी, बैठाया गया फौज पाकिस्तान में द्वारा। भी नहीं आएगी पढ़िए आगे थोड़ा फोर्स। सा इंडिया के बारे में, इंडिया के बारे में पढ़िए, इंडिया में पॉलिटिकल डिफरेंसेस की परमिशन है, इजाजत है, स्कोप है। हाँ सही बात है, इसमें तारिक मुसलमान फतेह, मारे जाते हैं, यही आप इनकी दिक्कत है ना, ये सोचते कुछ हैं मुसलमानों का फिर कत्ल कर कहते दिया कुछ था, हैं और कर तो कुछ और ही देते हैं। नहीं कत्ल कर पढ़ते दिया था नहीं आपने है, सारा मुसलमानों का, मसला ये है कि ना ये इनकी सकाफत में है, ना आदत में है, ना एजुकेशन में है कि किसी चीज की एनालिटिकल स्टडी की जाए, रिवाज ही नहीं है वहाँ किताब पढ़ने का या कोई रिसर्च पेपर करने का। यहाँ तो सिर्फ एक गजबा हिंद, हिंदुओं से नफरत और इंडिया को शिकस्त देने की जुम्बिश जो है, जो कभी पूरी इनकी नहीं होती, बेचारे उसमें लगे रहते हैं, एंड वी शुड फॉरगिव देम। क्या था, फॉर दे नो नॉट व्हाट दे से। ये अब मुझे बताइए बिलावल भुट्टो की क्या क्रीडेंशियल्स हैं कि वो फॉरेन मिनिस्टर बन जाए, ना पार्टी के अंदर कोई प्रिंसिपल है, ना कोई उसने बाहर कुछ किया है, एक विरसे में मिल गई चीज तो चला के बढ़ा रहे हैं उसे आगे, एंड इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, क्योंकि मजाक बन जाता है हर जगह कि वो एक प्राइम मिनिस्टर, इनके साथ इस वक्त कोई काफ़ी हद तक रीजनेबल से शख्स है शरीफ साहब, लेकिन क्योंकि कोलिशन के अंदर लोग ऐसे बैठे हुए हैं, दे विल नॉट लेट सैनिटी रूल, कभी पढ़ी लिखी चीज ठीक से है। आप शायद अगर आप कह नहीं रहे हैं कर। कि यहाँ तो पढ़ने का भी जो है पढ़ने पढ़ने पढ़ पढ़ा नहीं जाता, पढ़ाई नहीं की जाती। उज्मा हमारे साथ है, उज्मा जी ये क्या है, सोचा कुछ और कहा कुछ और कर तो खैर कुछ और ही दिया, ये एक परसेप्शन क्यों बनता जा रहा है? मैं एग्री करूंगी हमारे जो पैनलिस्ट हैं और आपकी बात से भी थोड़ा सा, क्योंकि कोई शर्म नहीं होती कि अगर अगर आप थोड़ा सा तो ये ठीक कह रहे हैं कि देखिए जानना बहुत जरूरी होता है, एक एनालिसिस आपका बहुत जरूरी होता है, ताकि आप ना एक जो कंट्री है, सिर्फ ये नहीं कि हमारे क्योंकि आप लोगों के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है तो कोई भी ऐसा टॉपिक आ जाए और उसके ऊपर हम नेगेटिव बात कर दें, लेकिन साथ में ये भी है कि आप जानती हैं कि पॉलिटिकल इश्यूज जो हैं स्पेशली पार्टीज के, ये दोनों रहे हैं। ये भी नहीं है कि हिस्ट्री में ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी साहब की तरफ से कुछ रिटेलिएशन ना आई हो, और ये भी नहीं है कि पाकिस्तान की तरफ से कोई अनसर्टेन बात ना की गई हो, लेकिन सिर्फ इस तरह से है कि आपको पता है कि जब जर्नलिस्ट क्वेश्चंस करते हैं, जैसे मेरा नहीं ख्याल कि बिलावल ये होमवर्क करके गए थे कि उन्होंने इंडिया की पॉलिटिक्स पे नरेंद्र, लेकिन ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऐसे उभारे ऑब्जेक्ट्स के उनको ये बात करनी पड़ती है, और अगर वो उस चीज को नहीं करते हैं तो फिर मैं वो अमजद अयूब मिर्जा आपका कमेंट लूंगी, लेकिन उससे पहले नादिर गबोल, मैं आप ही पर जो अभी उज्मा ने कहा वो मैं आप ही पर वापस आपको सवाल पूछ रही हूँ। कह रही है हम तो कह ही रहे थे, उज्मा भी कह रही है कि होमवर्क करके नहीं गए बिलावल भुट्टो जरदारी, ना नहीं, इंडिया के बिलावल बारे भुट्टो में जरदारी साहब जो ना है वो नरेंद्र मोदी अकेले, के बारे में। देखें अगर आप पढ़े लिखे हैं और आपके पैनलिस्ट पढ़े लिखे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि फॉरेन मिनिस्टर अकेला नहीं होता है, उसकी पूरी टीम होती है, और जो हमारे एम्बेसडर हैं मसूद खान साहब और जो हमारे परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूएन है, ये सारे एक्सपीरियंस डिप्लोमेट्स हैं।
आप लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि बिलावल क्योंकि यंगस्टर है, देखिए तो अच्छी बात है कि हम यूथ को प्रमोट कर रहे हैं, ऑक्सफोर्ड ग्रेजुएट है, दुनिया को समझता है, दुनिया में उठता बैठता है, पढ़ता है दुनिया के बारे में, वो बिल्कुल हेड कर रहा है टीम को, मगर टीम के अंदर बहुत सीजेंड हमारे डिप्लोमेट्स हैं, फॉरेन ऑफिस के जो एम्बेसडर्स हैं उनकी एक पूरा एक हिस्ट्री, उनका एक करियर है, तो वो सारी उनको ब्रीफिंग देते हैं, उनको ब्रीफिंग देते हैं, तो उन्होंने इसी वजह से आप लोगों को याद कराया कि आपके मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है उसको एक्सपोज किया, खालिस्तान मूवमेंट जो चल रही है न्यूयॉर्क में, मैं भी डिप्लोमेट हूँ सबका, मैं भी न्यूयॉर्क में रहा हूँ और पाकिस्तान को मैंने रिप्रेजेंट किया है, मेरे होते हुए मेरे सामने कितनी दफा मैंने देखा है कि वहां पे सिख भाई हमारे आपके इंडिया के जो अट्रोसिटीज हैं उसको एक्सपोज करते हैं, जो खालिस्तान मूवमेंट के जो प्रोटेस्टर्स हैं, कितनी दफा मैंने देखा है उनको अपनी आंखों के सामने, आपकी जो इंडियन कॉन्सुलेट है 64th स्ट्रीट मैनहट्टन में, उधर मैंने खुद देखा है, उसके अलावा जो नहीं, आपने क्या देखा है मुझे वहां उससे पे फर्क नहीं ह्यूमन राइट्स पड़ता। वायलेशन जब से आपने क्या मोदी देखा आया है है, वो सुने पूरी ध्यान से, दुनिया अभी आप की बता रहे थे क्या, ना आप और आपके पैनलिस्ट नहीं अगर पढ़े आप, हो, आपके इंडिया जरा में आप अगर ध्यान आपकी से सुनिएगा, आप सुन इतनी लीजिए ध्यान इतनी से। हर चीज अच्छी है तो पढ़े लिखे खालिस्तान अब आप क्या पता है, नहीं कितना पढ़ा क्या लिखा नहीं है, तो मानेंगे, मुझे और खालिस्तान कितना मूवमेंट अनपढ़ क्या है, बताएंगे। जिससे आप खालिस्तान बात कर मूवमेंट रहे क्या है, हैं वो यूएन की एजेंसी खालिस्तान है, मूवमेंट यूनेस्को, नहीं, उसमें खालिस्तान काम मूवमेंट करती थी क्या है, पेरिस में। खालिस्तान ठीक मूवमेंट है, बताया नहीं ना नहीं सुन मुझे, ले, अब आप सुन ले, आप निजी नहीं टिप्पणी कर आप ही रहे बोल थे रही थी पैनलिस्ट देर पर भी से, और मैं मुझ बैठा पर भी। हूँ अब तो जरा फिर सुन आपने ले, अगर लाती बोला है तो आप सुनने की हिम्मत बोला रखिए, मुझे मुझे सुनाने के अब लिए सुनने या की मेरे हिम्मत को लिखने के रखिएगा। लिए, ठीक है, दूसरी बात, पढ़े लिखे होने का मतलब, एडवाइजर्स होने का मतलब ये नहीं है कि मेरे एडवाइजर्स जो मुझे कह दें जाके मैं वही जाके बोलना शुरू कर दूं। कुछ मेरी भी बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी, कुछ हाँ मैंने भी तो उनकी तो होमवर्क फिर किया होगा। अंडरस्टैंडिंग सही थी और जो ना अभी आप उनकी, यूएन उनको में तो सर्व उसको करके पढ़ा आए होगा जनाब, ना, यूएन में आपने कहा ना आपने सर्व किया है, तो जितना मैंने यूएन हाँ सिस्टम को समझा है वहां पर तो इस तरह की भाषा को वैसे ही प्रमोट नहीं किया जाता है, वो तो इस तरह की भाषा को एंडोर्स ही नहीं करते हैं। ये तो नहीं, यूएन किस की किस्म भाषा की है ही भाषा, क्या नहीं। कोई गाली दी क्या, कोई नहीं गाली नहीं दी यूएन क्या, की भाषा है ये यूएन की नहीं कोई भाषा गाली है, थी मुझे ये बताएं, यूएन की भाषा है ये। नहीं गाली दी क्या, कोई मोदी को गाली दी, कौन नहीं, आप गाली सी भी दे गाली, देंगे क्या? अब नहीं गाली भी गाली दे बताएं दीजिए ना क्या? कौन सी फिर गाली, आप आपको लगता है कि गाली देने से आप बहुत बड़े हो जाएंगे तो और आपके बारे में पता कोई चलेगा, गाली जैसे नहीं अभी थी पता ना, चला आपके आप होमवर्क कुछ के क्यों बारे कर रही में। हैं, उज्मा आप हंस कुछ रही है, उज्मा मजाक हंस के रही अलावा है, मुझे उज्मा तो तो ये बताएं, पाकिस्तान से ही है। आपकी मेरा निकाल वो चैनल गाली की देना व्यूअरशिप चाहते कितनी हैं, है, मगर पाकिस्तान मेरा में अगर आप निकाल जैसी हम एंकर होती तो आपको मेरा तो जो कोई सुनता भी रिस्पेक्ट नहीं, स्पेशली सिर्फ क्योंकि आप ही मैं इसकी बोलती हैं अपने रिस्पेक्ट शो करूंगी, पे, आप ये हमारे एंकर्स कमाने कम के लिए अज़ हम कम लोग बुलाते बैठे हैं, हैं। अगर गेस्ट हो अरे तो गेस्ट ठीक ही है बुलाओ, सर, मैं आपके आपको एंकर्स के सामने मेरा जाकर निकाल आप दो, उनके आपकी बुलाते प्रधानमंत्री हैं को मैं गाली चाहता हूँ देने कि की गेस्ट धमकी से नहीं कुछ गेस्ट देते। करना चाह रहे हैं, सुने ध्यान नहीं से, हमारे हमारे आपके एंकर्स का हमारे मुझे पास पता अपना नहीं, दूसरे बेसिक एंकर्स पर मैं टिप्पणी नहीं रिस्पेक्ट करती होता है हूँ, गेस्ट के आपको लिए, मैंने पहले शो में आपकी भी बताया तो पब्लिक मैं की गेस्ट फैक्ट्स पे बुला बात के करती सिर्फ हूँ, अपना और ये लेवल नहीं, प्रोपागेंडा के लिए मेरे शो में कोई जगह नहीं है, ध्यान से नहीं सुने। प्रोपेगेंडा नहीं, आप आप अगर खालिस्तान प्रोपागेंडा चलाने लगेंगे या अपना एजेंडा यहाँ चलाने आपकी लगेंगे तो ये तरह मंच नहीं बने ना, दूंगी मैं फौजी की आपको। तरह आप लगी हुई है, फुपो जी नहीं बने ना और आप मैं एक ये भी मैं उम्मीद करती हूँ, होस्ट सुनिएगा ध्यान बनकर से, आप आपके एंकर्स का पता गेस्ट, नहीं, लेकिन अदिति त्यागी और इंडिया में जो एंकर्स हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं कि जो उनके गेस्ट आए वो पंडित होमवर्क जी पूरा करके आए आप अपने ना, शो वो पे खुद होमवर्क ही पूरा अपने करके आए। गेस्ट लाए अगर वो ना, डिप्लोमेसी में अपने एक्सपीरियंस की बात कर रहे हो तो उनकी बातों में वो चीज दिखे, ये ना कहें कि नरेंद्र मोदी को गाली थोड़ी दे दी है, ये ना दिखे, नहीं बस दी मैं हूँ ये कह रही गाली, हूँ। आप बोल अमजद रहे हैं अयूब उनको गाली मिर्जा, दी, अमजद अयूब मिर्जा ये क्या कह रहे हैं, ये कह रहे गाली थोड़ी दे दी, तो मैं अभी इन्हें याद दिला देती हूँ हिलरी क्लिंटन ने इनके कंट्री के बारे में क्या कहा था, याद दिलाऊं मैं तो? आप यानी सांप ही पालते हैं आप, ये हिलरी क्लिंटन कह रही थी और एक दिन आपको डसेंगे, वो डस रहे हैं, आज डस रहे हैं ना अमजद अयूब मिर्जा इन्हें। देखिए बात यह है कि गाली तो दी है बिलावल भुट्टो ने, किसी को कसाई कहना ये गाली है, और दूसरी बात ये इनको गुजरात के मुसलमानों का बड़ा दुख है, जो इन्होंने मेरे डिस्ट्रिक्ट में, मीरपुर डिस्ट्रिक्ट में, मेरे डिस्ट्रिक्ट में 1947 25 नवंबर से लेकर मार्च 1948 तक 100,000+ हिंदुओं और सिखों का जेनोसाइड किया, जब गोलियां खत्म हो गई तो हथौड़ों से और पत्थरों से उनके सरों को कुचला, छुरी से उनकी गर्दनें काटी, हमारे मीरपुर की औरतों को अगवा करके पिंडी और पेशावर के बाजारों में बेचा, जिनका आज तक कोई पता नहीं है कि वो कहाँ गई, तो ये इनको वो जेनोसाइड नजर नहीं आता? ओके फॉरगेट अबाउट 1947, व्हाट अबाउट नाउ प्रेजेंट डे, कितने गिरजे, कितने मंदिर, कितने गुरुद्वारे जो है वो आपने मस्जिदों में तब्दील किए जबरन, जो कि इस्लाम की रूह से भी नाजायज है, और हर साल आप 1,000 रिलीजियस माइनॉरिटी महिलाओं को जबरदस्ती मुसलमान करते हैं, उनके फैमिलीज को डरा के, उनको कत्ल की धमकियां देके, तो आप अपने गिरेबान में झांके देखें,
बाकी रहेगी बात कि आपने कहा कि हिंदुस्तान के जो है लोग देख रहे हैं, मेरी बात सुने। मैंने अब हम लोगों ने इंग्लिश ब्लॉग शुरू कर दिया है, क्योंकि हमें ये महसूस हुआ कि शायद जो दुनिया के मुल्क हैं उनको आपकी असलियत का पता नहीं कि आपने क्या क्या जुल्म किए हैं। तो हमने आज ही ब्लॉग किया है पाकिस्तान वॉर क्राइम्स पे, और इंग्लिश में किया है, और वो हम पूरी दुनिया में अब जा रहे हैं पाकिस्तानी कब्जे वाले जम्मू कश्मीर को फाइनल आजादी की पुश देने के लिए, वो आजादी का बच्चा डिलीवर करने के लिए जो है अब हम जा रहे हैं दुनिया के पास कि वो हमारे लिए मिडवाइफ का काम करके ये बच्चा डिलीवर करे और हम आजाद हों, और हम जैसे आप मुसलमान कहते ना इंशाल्लाह, हम इंशाल्लाह जो है भारत का हिस्सा बनेंगे 2024 से पहले। इरशाद अहमद, यहाँ पर आपने सुना अमजद अयूब मिर्जा क्या कह रहे हैं। आप ये आपके लिए तो नई बात है नहीं, माइनॉरिटीज का कन्वर्जन हो, अब शब्दों का इस्तेमाल हो। मैं तो अभी गई नहीं हिना रब्बानी खार को लेकर आपके देश में क्या बातचीत हो रही है, अभी मैंने उस बारे में तो बात ही नहीं की है, और ये बता रहे हैं पढ़ा रहे हैं यहाँ पर नादिर नबील गबोल कि भाई हमारे यहाँ तो ऐसे पढ़ी लिखी बातें की जाती हैं, ऐसी समझदार बातें की जाती हैं। तो भैया माइनॉरिटीज का अपना रिकॉर्ड तो देख लो भारत को उपदेश देने से पहले। आपने अपनी आवाज खुद ही तो बंद नहीं कर ली है। आवाज आपकी नहीं आ रही है इरशाद अहमद जी। जल्दी से मैं एक कमेंट ले लेती हूँ यहाँ पर। मेजर जनरल शशि अस्थाना हैं, डिफेंस एक्सपर्ट हैं। जनरल अस्थाना, जय हिंद। जय हिंद। जो देश मान जाए, जो देश सुधर जाए, जो देश डिनायल से बाहर आ जाए, वो पाकिस्तान तो नहीं हो सकता। जाहिर है कि वो पाकिस्तान नहीं हो सकता, लेकिन एक मैं इतना बताना चाहूंगा और सभी पाकिस्तानी गेस्ट्स को जो इधर हैं, देखिए आपका जो रेटोरिक है, जो आप बोलते रहते हैं, चाहे वो यूनाइटेड नेशन में बोले, चाहे इधर बोले, वर्ल्ड में जहां मर्जी बोलते रहें, उससे कोई किसी को फर्क नहीं पड़ता। भारत को तो बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ता। मैं अभी भी यूनाइटेड नेशन की कई इंस्टीट्यूशंस का मैं हूँ, और मैं 4 टेन्योर कर चुका हूँ यूनाइटेड नेशन में। मैं इतना सिंपल सी चीज बताऊं आपको कि जो यूनाइटेड नेशन की फिगर्स हैं उसके मुताबिक जितनी माइनॉरिटीज पाकिस्तान में आजादी के टाइम में थी उससे कहीं ज्यादा, कहीं कम हो गई हैं, बहुत ज्यादा कम हो गई हैं, बहुत कम हो गई। ये एक फैक्ट है जो आप नहीं बदल सकते, क्योंकि ये सब जगह दिया हुआ है। दूसरी बात, जो आपका ये जो डिनायल का रवैया है, 1970 में ले जाता हूं मैं आपको। 1970 में जब ईस्ट पाकिस्तान के ऊपर जेनोसाइड हो रहा था, उस टाइम में आप लोग यही बोलते थे, नहीं हम कुछ नहीं कर रहे, ये कश्मीर वाले, आपके कश्मीर में ये हो रहा है, आपके कश्मीर में वो हो रहा है, वगैरह वगैरह। एक वक्त आया जब ईस्ट पाकिस्तान ने बोला एनफ इज एनफ, और उसके बाद में उन्होंने बुहार लगाई, और उस बुहार लगाने के बाद में उसका नतीजा आप जानते हैं, और उसके बाद में जब बांग्लादेश बना, आज उनकी इकोनॉमी कहाँ है और आपकी इकोनॉमी कहाँ है? आप दोनों ने जिंदगी एक जगह से एक टाइम पर शुरू की थी। अभी उसी चीज को आप आज की हालत में देखिए। जो सैयद अयूब मिर्जा जी बोल रहे हैं, अगर उसी मुताबिक कुछ ऐसे हालात बनते हैं तो जिम्मेवार आप खुद ही होंगे, क्योंकि आप लोग सच्चाई से बाहर नहीं जाना चाहते। जो आपकी इंटरनल प्रॉब्लम है उसको आप अपनाना नहीं चाहते, आपको पता है। अब बड़े सारे सवाल है इरशाद अहमद तक अगर आवाज पहुंच पा रही है। जनरल अस्थाना ने जो सवाल उठाए उनमें से कुछ के जवाब में चाह रही हूँ। इरशाद अहमद, सुन पा रहे हैं आप मुझे? बहुत शुक्रिया जी। मैं अदिति, मैं ये कहूंगा, बार बार 3 रोज से कसाई कसाई की बात कर रहे हैं, कसाई को कसाई ना कहें तो लोहार कहें, पहले तो मैं आपसे ये सवाल करूंगा। दूसरी बात आप कर रहे हैं, देखिए कितनी जीना दोबर कर दिया मुसलमानों का हिंदुस्तान में आप लोगों ने। बात यहाँ किया, आपके कितने आए? एक सेकंड, आपके यहाँ कितने आए? आप लोग, आपने आपके हिसाब से मुसलमानों का जीना मुश्किल कर दिया, आपके आए हैं क्या? मुसलमानों का मारना शुरू कर दिया।
आपके यहाँ आए हैं क्या? शरण मांगने आपके यहाँ आए हैं क्या? तीन दिन से आपने इशाद अहमद, मैं आपसे क्या सवाल पूछ रही हूँ? उधर हिंदू मुस्लिम फसाद शुरू किया हुआ आपने हिंदुस्तान में, कौन सा फसाद हो रहा है यहाँ पे? हिंदू मुस्लिम फसाद कौन सा हो रहा है? सुनिए ध्यान से, भारत के, मैंने आपको पहले भी कई बार डिबेट में वॉर्न किया है, भारत के मुसलमानों की बात मत किया कीजिए, उसने आपको 47 में रिजेक्ट कर दिया था, उसको आपके सहारे की जरूरत नहीं है, ठीक है? आपको कुछ भी बोलने के लिए नहीं बुलाया, मैंने पहले भी क्लियर किया था जब नादिर का बोल बोल रहे थे, या कुछ भी बोलने के लिए नहीं बुलाया है, ध्यान से सुन लीजिए आप, भारत के मुसलमानों ने आपको 47 में रिजेक्ट कर दिया, तो उनके रहनुमा तो आप किसी भी एंगल से नहीं है, वो अपनी लड़ाई लड़ना जानता है, सुनिए ध्यान से, भारत के मुसलमान की बात आप इसलिए मत कीजिएगा कि उसके पास उसके राइट्स इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में गारंटीड है, अनलाइक यू तो मुद्दे पर रहिए और ये बताइए सीखने में दिक्कत क्या है। दूसरी, आप मुझे बोलने दे जरा अदिति, दूसरी बात अयूब मिर्जा साहब कह रहे थे कि कश्मीर आजादा हो जाएगा, कश्मीर पे कब्जा हिंदुस्तान खुदा ना खास्ता कर लेगा, मैं ये कहता हूँ अयूब मिर्जा साहब वहाँ इंग्लिश भी बोलते हैं लोग, उर्दू भी बोलते हैं, कश्मीरी भी बोलते हैं, आप पता नहीं कहाँ की बातें करते हो, कौन सी दुनिया में रहते हो आप कि आप हर रोज कश्मीर को अलहदा करने का ख्वाब देखते हो और आपका ख्वाब टूट जाता है। और कश्मीर में बात करता हूँ मकबूजा कश्मीर की, वो वाकई हमसे मिलने के लिए तैयार बैठे हैं, वो बड़े आवाजार बैठे हैं, वो परेशान बैठे हैं कि किस दिन वो बाढ़ खत्म हो और वो पाकिस्तान के साथ जम हो जाए और आजाद कश्मीर, मकबूजा कश्मीर और पाकिस्तान एक स्टेट बने और इंशाल्लाह ये मुल्क बनेगा, बहुत बड़ा मुल्क बनेगा और ये दुनिया देखेगी और दुनिया देख रही है जो कुछ आप लोग कर रहे हैं कश्मीरियों के साथ, दुनिया यही देख रही है इस वक्त, बलूचिस्तान, अभी सुन रहे हैं जो बड़ा पाकिस्तान की आप बात कर रहे थे, जो मौजूदा पाकिस्तान है उसको तो बचा लीजिए पहले, आप मुझे बोलने दे, इरशाद अहमद बोलने दे रही हूँ ना आपको, आपकी बातें सुन रही तभी हंसी आ रही है, अब चुटकुले सुनाने के लिए भी नहीं बुलाया ना गेस्ट को, चुटकुले सुनाने के लिए भी नहीं बुलाया गेस्ट को, बलूचिस्तान संभल नहीं रहा। और सुनिए, कब्जे और आजादी में अंतर होता है इरशाद अहमद, शायद आजादी शब्द आपको समझ नहीं आता होगा, नहीं नहीं आजादी शब्द आपको समझ नहीं आता होगा, आदित्य मुझे सुन, ईस्ट पाकिस्तान याद है आपको? ईस्ट पाकिस्तान याद है सब कुछ, मुझे एक एक लम्हा याद है अपने बिछड़े हुए भाइयों का, एक एक लम्हा याद है, मैं ये कह रहा हूँ शर्म लो, देखे 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 मुझे बोलने देखिए, जो मर्जी करे आप, एक लम्हा सुन ले फिर आप, एक मिनट जरा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपने जाके वहाँ आप 4 लाख और तो बहनों आप बोलने, पहले मुझे बोलने दे, आप ये बदतमीजी के लफ्ज इस्तेमाल करना छोड़ दें, बुजुर्ग हैं आप, मरने वाले हैं वक्त लेने, आप तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं भाई, इरशाद अहमद कौन बुजुर्ग है कौन जवान है, मैं उस पर डिबेट नहीं कर रही हूँ ना, उम्र पर डिबेट नहीं कर रही हूँ इरशाद अहमद, और सर्टिफिकेट मत बांटिए कौन बदतमीज है कौन क्या है, आपको सर्टिफिकेट बांटने की जरूरत नहीं और आपका सर्टिफिकेट मैटर भी नहीं करेगा सर, अगर आप इस तरह से बात करेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की किसी को जरूरत नहीं, आपको पता होना चाहिए पहले, मुझे जवाब दे, हाँ तो जवाब दे लीजिए, 30 सेकंड में जवाब पूरा कीजिए, भाषण थोड़ी देंगे यहाँ पे, जलसा थोड़ी हो रहा है यहाँ, बोलने नहीं दिया मुझे आपने, इतना बोलने के बाद भी आप नहीं बोल पाए तो सर आप नहीं बोल पाएंगे, नहीं बीच में आप लोग बोल रहे हैं मुझे तो समझ नहीं आई मेरी बात, अच्छा तो आपका क्या प्रोपेगेंडा चलाएं क्या, प्रोपेगेंडा चलाएं क्या, एक एक सुन ले, एक एक लम्हे के लिए सुन ले, मैं ये कह रहा हूँ कि बिलावल भुट्टू जरदारी ने एक लफ्ज कहा पूरे हिंदुस्तान की चरपाइयां उल्टी हो गई, खौफ ज्यादा हो गए, एक 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 वजीर से हमारे बिलावल भुट्टू जरदारी वजीर खारजा के एक लफ्ज से नींदे हराम हो गई, खुदा ना खास्ता हम लोग आपके सामने खड़े हो गए जिस दिन, उस दिन क्या होगा हिंदुस्तान का, हिंदुस्तानियों का और इंडिया बन के बैठे हुए हो क्या, बोल रहे हैं बीच में मुसलसल, तो मैं ये हमेशा ये कहता हूँ, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम नहीं चाहते कि हम नहीं चाहते कि रोज गालम गलौज करें, बदतमीजी करें, एक दूसरे के साथ लड़ाई करें, इरशाद अहमद अब आप बोलिए, अब जरा मैं बोल लेती हूँ थोड़ा सा, सुने ध्यान से, वो तस्वीर ले आइए, ऐसे ही खड़े हो रहे थे जैसे अभी 10 सेकंड पहले खड़े हो रहे थे, अब ये जो ऐसे ही खड़े हो रहे हैं, ऐसे ही खड़े होंगे आप जैसे इन तस्वीरों में खड़े, देखिए जरा ध्यान से देखिए तस्वीरें, 4 बार तो आपने खड़े होने की कोशिश की और चारों बार आप घुटनों के बल आ गए, घुटनों के बल क्या जमीन पर ही आ पड़े, देखिए जैसे कि इन तस्वीरों में ले लेंगे, सुनिए हथियार तक डाल दिया आपकी सेना ने, आप कह रहे हैं अगर हम आपके सामने आ गए, अरे गीदड़ भपकी बंद कीजिए, कभी परमाणु की गीदड़ भपकी, कभी परमाणु अटैक कर देंगे, इस तरह की गीदड़ भपकी, वो पाव पाव वाले पहले चेक तो कर लीजिए, कब तक गीदड़ भपकी देते रहेंगे, आप लोग सो नहीं रहे, आप तो छिपके ही आते हैं, सामने से तो आप आते नहीं सर, सामने से आते तो आपका हश्र ये होता है जो इन तस्वीरों में, और जैसा कि 4 बार हो चुका है आपका हश्र, यही आपकी दिक्कत है, कोई बात नहीं, तारिक फतेह कई बार मैं बात करती तो ऐसा लगता है जैसे कि ये बोलते मुझे बोलने नहीं देते, तो वो
बातें तो कम से कम वो करें जिनमें थोड़ी सीरियसनेस हो। आप चुटकुले तो ना सुनाए ना बैठ के। देखिए, जिन लोगों ने ये कहा अपने ही मजहब के, अपने ही मुल्क की औरतों के बारे में कहा कि इनकी नस्ल बदल दो, नस्ल बदली कैसे? 4 लाख औरतों को प्रेग्नेंट किया इन्होंने, और उसके बाद यूनाइटेड नेशंस ने अबॉर्शन क्लिनिक्स सेट करने पड़े, क्योंकि उनको पता था कि एक इस्लामी मुल्क में बगैर अपने हस्बैंड के मां कैसे रुल जाती है। ये इनकी हरकतें, दे वेंट देयर टू चेंज द रेस ऑफ अ पीपल, ये बात कर रहे हैं। ये आज बलूचिस्तान के अंदर क्या करें, 50,000 लोग गायब हैं आपके उसके अंदर, बस पंजाबी जाके उर्दू बोलता है और खुश हो जाता है कि गौल मैं जी पाकिस्तानी हो गया हूँ। खुद तो शर्म करो, माँ बोली की इज्जत नहीं करते कभी, उतना तहजीब है। और चुप करो भैया, खामोश रहो एक सेकेंड, खामोश रहो, या किसी फौजी में, किसी फौज में भर्ती हो, मेरी सही बात नहीं सुन रहे हैं, फौज में भर्ती हो, सरेंडर होगा, खाने पीने को मिलेगा, कभी सिंधियों के बारे में बात कर रहे हैं, कभी पंजाबियों के बारे में बात कर रहे हैं। अरे भैया, आपको पीएमएलए कहाँ से आ गया तुम्हारा? यू आर नॉट रिप्रेजेंटिंग देम, तुम झूठ बोल रहे हो। पीएमएल के नहीं हो, नून लीग कोई ताल्लुक नहीं तुम्हारा। गलत बात करते रहे, मैं आपको सुनता रहूं, क्यों सुनूं आप जैसे लोगों को? ना सुने भैया, तुम्हारी औकात नहीं है सुनने। आप जब दूसरे ना सुन सकते हो ना पढ़ सकते हो, मैं आपको लिख सकता रहा हूँ, आपकी उल्टी सीधी बात सुनता रहा हूँ। आप मेरी अरे भैया मत सुनो, कहाँ इंडिया के टीवी पे आओ। मैं इंडिया की टीवी पे इसलिए आता हूँ कि मेरी इज्जत है, मेरा पाकिस्तान का मैं नुमाइंदा हूँ। छोड़ो एक सेकेंड, चलिए आपके आप एक सेकेंड। नादिन अबील का बोल, थोड़ी देर पहले आप बूचर आपके नेता को आपको बहुत याद रहता है, मैं जानना चाह रही थी वो बूचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान कौन है? बूचर ऑफ ईस्ट पाकिस्तान तो मुझे नहीं पता, आपकी अगर हिस्ट्री बुक्स में लिखा हो। अभी क्या बता रहे थे तारिक फतेह, आपने सुना नहीं शायद? नहीं, तारिक फतेह को मैं नहीं सुन रहा था, मैंने बीजेपी के उस लीडर को सुना है जिसने बिलावल भुट्टो जरदारी के ऊपर 2 करोड़ रुपए का बाउंटी रखा है। ये तो आप लोग को सिखाया जाता है, ये तो आपकी लीडरशिप है। ऐसा कुछ नहीं सिखाया जाता हमें, ऐसा बिल्कुल नहीं सिखाया जाता। नहीं, 2 करोड़ रुपए सुनिए, ये तो आपके यहाँ पर जो लोग रहते हैं ना, आपके जो एसेट्स हैं उनको ज्यादा शोभा देता है। हाफिज सईद पर अमेरिका ने रखा ना, ये 2 करोड़ रुपए का बाउंड, यूएन डेजिग्नेटेड टेररिस्ट, अभी आप यूएन का बहुत नाम ले रहे थे, वहाँ पे जो जितने डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं उनमें से कितने पाकिस्तान में रहते हैं, ये सवाल का जवाब दे दीजिए। चलिए आप पूछो ना, आप ईस्ट पाकिस्तान में पूछ लूंगी अभी तारिक फतेह से, उस सवाल का आपने नहीं किया, अभी बता रहे थे पढ़े लिखे लोग अगर आप हैं तो। 2 करोड़ रुपए बिलावल भुट्टो को, नहीं नहीं सुनिए ना, आप ये बताइए यूएन के जो ग्लोबली, जिन्हें ग्लोबली डेजिग्नेट किया गया है टेररिस्ट, उतने उनमें से कितने पाकिस्तान में हैं और कितनों को आपने चाइना की मदद से बचवाया? देखें, मुझे ये पता है कि यूएन की सिक्योरिटी फोर्सेज में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी शख्स हैं, यहाँ तक कि अभी जो ईस्ट अफ्रीका में भी जो यूएन के जो फोर्सेज डिप्लॉयड हैं उसमें सिक्योरिटी फोर्सेज जो यूएन के जो पीस कीपर्स हैं वो सबसे ज्यादा पाकिस्तानी होते हैं, और अक्सर उनकी जो कमांड है वो भी पाकिस्तान के किसी जनरल के पास होती है। एक सेकंड, मैं यहाँ पे जनरल शशि अस्थाना को लेकर आना चाहूंगी। जनरल अस्थाना, आप मुझे जरा दुरुस्त कर दें, हमने तो सुना था यूएन पीस कीपिंग में इंडिया का रोल वर्ल्ड वाइड अप्रिशिएट किया जाता है, ये तो कुछ और ही सुना रहे हैं यहाँ पर। देखिए, यूएन की हिस्ट्री में 71 मिशंस में से 53 मिशंस में भारत ने की भागीदारी है। आज तक यूएन के अंदर तकरीबन 2.5 लाख भारतीय सैनिक नौकरी कर चुके हैं, और यूएन पीस कीपिंग में ये सबसे बड़ी फिगर है, कोई भी कंट्री इसके नजदीक नहीं आता। जहां तक आपके इस चीज का सवाल है कि अभी की क्या हालत है, अभी भी पाकिस्तान के सबसे ज्यादा नहीं है, नाइजीरिया नेपाल आपसे कहीं ज्यादा आगे हैं, तो ये आप इस गुलाफे में ना रहें। उसी मुताबिक देश पूरे वर्ल्ड की पीस के लिए तकरीबन 171 भारत के सैनिकों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है, और उसमें अभी परमवीर चक्र भी मिला है उन लोगों को। तो जो भारत का स्टैंडर्ड है यूएन पीस कीपिंग, ये पूरे आज की डेट में भारत की हालत ये है कि आपने देखा होगा अभी यूएन के अंदर जो प्रतिमा लगाई गई थी वो भी आपने देखी होगी, तो उसमें मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई डिस्कशन वाली बात है।
लेकिन डिस्कशन वाली बात इस बात पर जरूर है, क्योंकि थोड़ा सा बात करना चाह रही थी इस पे, नादिर साहब बहुत बोल रहे थे इसलिए मैंने कहा कि मैं एक बार आपका एक्सपर्ट ओपिनियन मैं एक्सपर्ट से ले लूं। जी नादिर का बोल जी, अगर आप के पास गूगल है गूगल पे कर लें कि पाकिस्तान के 2 लाख से ज्यादा फौजियों ने यूएन पीस कीपिंग में अपने सर्विसेज रेंडर किए हैं और 179 पाकिस्तानी सोल्जर्स मार्टर भी हुए हैं। लीजिए जवाब मिल रहा है, कोई पैनल पे मानने को तैयार नहीं है, पहले सुन लीजिए तारिक फतेह का जवाब, फिर सुनिएगा अमजद अय्यूब मिर्ज़ा का जवाब। तारिक फतेह की आवाज पहले। तो मसला है आप इंडियंस का, हेटी के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने पैसे चोरी किए, वेस्ट अफ्रीका के अंदर पाकिस्तानी फौजियों ने माल खाया लूटा और दोनों साइड से रिश्वतें ली। ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं आप? डीआरसी जाके देखिए, सेंट्रल अफ्रीका के अंदर आपने गुंडों की दादागिरी मचाई हुई है वहां, यानी इंस्टेड ऑफ पीस कीपर्स यू हैव बिकम द लोकल इन्फोर्सर्स ऑफ टेरिटरी। आपको शर्म नहीं आती कि आपको एक्सपेल किया जाता है अफ्रीकन कंट्रीज से, कि आपके जेंडर लेवल के लोग रिश्वत खाते हैं वहां पे? कभी किसी सुना आपने हेटी के अंदर किसी इंडियन यूएन फोर्स के आदमी को निकाला गया हो? आप अपने मुल्क का भला उस वक्त करेंगे जब आप ओपनली कहेंगे कि हमारे जनरल पैसा खाते हैं और हमारे मुल्क को लूट लिया उन्होंने और हमारे अपने शहरियों पे जेनोसाइड किया। हमारे जनरल को यूएन पीस कीपिंग फोर्सेस का हेड क्यों बनाते हैं? गूगल करें ना भाई, मेरी बात नहीं माने, गूगल कर लें। हेड बनाया आपने, आपके सोल्जर्स को डिप्लॉय किया जाता है कि ताकि वो पैसा कमा के वापस भेजें, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज नहीं है, आप यूनिवर्सल चले हम तो भेज देते हैं। अरे आपने यूएन में कौन सा ऐसा कमाल हो रहा है जहां पे ये बेईमानियां नहीं चल रही हैं? ये आप चाइना के अंदर आपने पूरा स्विट्जरलैंड को किया हुआ है। देखिए मेजोरिटी ऑफ नेशंस की बात ना करें, इस वक्त सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर इस वक्त इंडिया बनने को जा रहा है, उसकी कोशिश हो रही है। कभी कोई आवाज भी निकाल सकता कि पाकिस्तान को बनाओ? आपने नाम जाता है वहां बेईमानी होती है, अपनी फौज को लूटना, दूसरे की फौज को लूटना, मिनरल्स की चोरी करना, स्मगलिंग कराना। कांगो में क्या हो रहा है इस वक्त? कांगो में किसको बिठाया था और क्या कर दिया उन्होंने? ठीक जवाब लीजिए अब नादिर का बोल। देखिए तारिक फतेह साहब, अगर इतने पढ़े लिखे हैं तो आई एम श्योर ये अभी भी मेरे सामने शो में अभी बैठ के गूगल कर सकते हैं कि सबसे ज्यादा सोल्जर्स कौन से मुल्क से कह रहा है कि किसके फौजियों को भगा दिया जाता है मैदान के, जंग के मैदान से भी और पीस कीपिंग से भी। वो ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं पाकिस्तानी फौज के जो जनरल्स हैं उन पर करप्शन के चार्जेस रहे हैं, उन्होंने संपत्तियां बनाई हैं, बदनाम किया है, जमहूरियत में दखलंदाजी की बात कर रहे हैं वो। आप जो इंडियन लोग हैं, आई एम श्योर आप लोग की में भी इतनी बेसिक लॉजिक तो होगी कि अगर इनकी एलिगेशंस ट्रू हैं, उसके बावजूद फिर भी यूएन हमारे सोल्जर्स को बुलाता है। बल्कि अभी कतर के अंदर जो वर्ल्ड कप हुआ है, जनरल बाजवा पर बिलियंस ऑफ डॉलर्स की प्रॉपर्टी बनाने का आरोप तो आप ही के मुल्क में लगा था। मैं क्यों यूएन, अब यूएन से छोड़िए आप ही के मुल्क की बात कर लेते हैं। यूएन में बाजवा, जनरल बाजवा को छोड़ दीजिए, अभी यहाँ पे पाकिस्तान में जनरल बाजवा की बात कर लेते हैं उन। और आपको ये मैं बता देती हूँ कि ये करप्शन के चार्जेस आपके अपने मुल्क में ही लगे ना। चार्जेस लगाने में कोई रुकावट थोड़ी है, कोई बैन थोड़ी कि आप चार्जेस नहीं लगा सकते। आप एलिगेशन, मैं भी टीवी पे बैठ के आपके खिलाफ कोई बात कर दूं, प्रूफ करना होता है ना। हाँ, प्रूफ करना होता है। ये आपको थोड़ी देर पहले करीब 40 मिनट पहले तो याद नहीं था प्रूफ करना होता है? दुनिया का रूल ये है कि एवरीबॉडी इज इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। Until proven guilty. Thank you so much. ये आपको अब से करीब 40 मिनट पहले याद नहीं था? बिल्कुल। तब ये कहाँ चला गया था? Innocent until proven guilty. बिल्कुल, मैं still stand by दुनिया का ही नॉर्म। अब आप ये समझ लीजिए, अब मैं आपको जो दिखा रही हूँ जो until proven guilty है ना, जिसका काम जी, जो ये until proven guilty वाला जो जजमेंट सुनाते हैं उनका काम है। अब ये पढ़ लीजिए, इसीलिए मैं लेकर आई अब ये इंफॉर्मेशन स्क्रीन पर। नानावती आयोग से उनको क्लीन चिट मिली है 2009 में, नरेंद्र मोदी की बात कर रही हूं, 2012 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा, देश की सर्वोच्च अदालत द्वारा गठित एसआईटी ने क्लीन चिट दी थी नरेंद्र मोदी को, ये आपको पता होना चाहिए। 2013 में मेट्रोपॉलिटन अदालत में
एसआईटी रिपोर्ट पर मोहर लगा दी। 2014 एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ याचिका जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में रद्द हुई थी। और यहां स्पष्ट कर दूं, नरेंद्र मोदी 2014 में आए हैं, उससे पहले जो आपने पूरा देखा तब बीजेपी सेंटर में नहीं थी। और ये पूरी इंफॉर्मेशन इनको दिखाते रहिए और ये कह रहे हैं कि देश की अदालतें जो है वो नरेंद्र मोदी से डरती हैं। सर कहां आप पढ़ते हैं? तारिक फतेह की आवाज नहीं आ रही है। काश के पढ़ लिया होता कुछ, जिना की पहली स्पीच पढ़ ली होती तो शायद होश आ जाता इनको। चलिए यही मैं सवाल पूछ लेती हूँ इशाद अहमद जी, आप पढ़ पा रहे कि नहीं पढ़ पा रहे? सर ये पढ़ पा रहा हूँ कि देखें, जैसे हमारे बाजवा साहब रिटायर हुए, हमारी अपोजिशन पार्टी इमरान खान पार्टी ने इल्जामबाजी लगाना शुरू कर दी। जब तक वो जनरल थे फौज के, उनको सलूट भी करते थे, उनके जूते पॉलिश भी करते थे जाकर के, इमरान खान की पार्टी जो बाजवा साहब पे आज इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी बात यह है, मैं इंतजार उस वक्त का करूंगा, इलेक्शन के बाद मोदी हारेंगे इंशाल्लाह, आप ही के चैनल पे ऐसे ऐसे इल्जाम मोदी पर लग रहे होंगे, पूरी दुनिया देखेगी और मैं हंसूंगा उस दिन बैठ करके। चलिए आप इंतजार कीजिए, सपने सबको देखने चाहिए, अब वो मुंगेरी लाल के हो या जमीनी धरातल पर बेस्ड हो, वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन। देखिए सपने, सपने देखने में क्या बुराई है। आज आपने दिखा दिया कि पाकिस्तान में इंडिया को लेकर कितना ज्यादा फोकस किया जाता है, भारत से कितना लगाव है, कितना प्यार है, ये आज आपने दिखा दिया। कि आप कह रहे हैं कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा, सोचिए एक पाकिस्तानी कह रहा है कि मैं उस दिन का इंतजार करूंगा जब नरेंद्र मोदी विल बी वोटेड आउट ऑफ पावर। भाई अगर इंडिया की ऑपोजिशन ये कहे कि भाई मैं इंतजार करूंगा, समझ आता है, पर इरशाद अहमद पीएमएलएन के नेता ये कह रहे हैं कि हम इंतजार करेंगे, वो दिन आएगा। तारिक फतेह हसन, तारिक फतेह देखिए मुझे इस बात का है कि हर चीज में अल्लाह मियां कहां से आ जाते हैं। इनका जो फुटबॉल हो, वर्ल्ड कप हो, जिधर हो इंशाल्लाह, अरे अल्लाह को बहुत काम है। सोमालिया के अंदर कहत पड़ा हुआ है, वहां की बारिश की दुआ करिए। आपको इसी में लगे हुए हैं कि किसी तरह हिंदू सारे मर जाए, कस्बा हिंद हो जाए, सारे टेंपल टूट जाए। आपसे जो ना हो सका 800 साल में आइंदा कभी नहीं होगा। आप तैमूर की पूजा करें, हम नहीं करेंगे। हम हिंदुस्तान में पैदा हुए, यहीं के हैं, चाहे आपने उसका पाकिस्तान बनाया हो, बांग्लादेश, नेपाल, लंका, कुछ भी। हमें एक 10,000 साल पुरानी तारीख और उसकी हिस्ट्री याद है। आप आए हैं किसी तुर्की घोड़े के ऊपर, टट्टू के ऊपर, और आपको ये इस बात पे फख्र है कि हमने जी हिंदुस्तान की बड़ी लूट मार की। अरे जिनको उठा के बेचा तुमने, आज दुनिया डिटरमिन कर रही है कि इंडिया क्या है और बाकी दुनिया क्या है। टुच्चे टुच्चे छोटे छोटे मुल्क, छोटी छोटी ज़हनियतें, कतर के अंदर फुटबॉल मैच क्या करा लिया। आप लोग को ऐसा लग रहा है कह रहे भैया इस्लाम की जीत हो गई, हद हो गई है। इतने छोटे एम्स, वो आता नहीं था एक निशाने वाला फुग्गे को मारने के लिए कारतूस की, उस टाइप की फौज हो गई आपकी कि फुग्गा फुलाया, कारतूस मारा और खुश, हम हिंदुस्तान पे हमला कर दिया। कुछ शर्म करो, कहीं हथियार डालना सीखो आराम से। इंडिया से एक ही इख्तलाफ है, वो तुमको आता है, वो डाल चुके हैं पहले। ना आपने ठीक करके वापस भेज दिया। आज की बात कर रहे थी, पीछे छोड़ आज दे। नहीं, वो दो बातें तारिक फतेह, इसमें दो बातें हैं। उनको आता है, इनकी फौज को हथियार डालना आता है, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। वो इरशाद अहमद की प्रॉब्लम है, हमारी फौज को इरशाद अहमद की प्रॉब्लम, ये एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन इनकी फौज को तो हथियार डालना आता है, उसका बकायदा प्रूफ है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर है, तो उसके तो प्रूफ है। आ जाएं अब, क्या कह रहे हैं आ जाएं अब इरशाद अहमद, क्या कह रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ 50 साल पीछे से 2023 में आ जाएं। आज की बात करें, मैं बार बार आपसे ही कहता हूँ, आज आप 2023 की बात करें, और मुझे फखर है अपने पाकिस्तान होने पे, मुझे अपने पाकिस्तान पे फखर है, मुझे फखर है कि मैं मुसलमान हूँ। मेरा रब पे यकीन है, मेरा रब भी सब कुछ करता है। जो कुछ आप हर बात को ले जाकर घुमा फिरा कर मुसलमान पर चले जाते हैं सर, हर बात को ले जाकर मुसलमान से क्यों कनेक्ट कर देते हैं सर, हर बात को क्यों एक रिलीजन से कनेक्ट करने लगते हैं आप? आप तारिक फतेह के दरमियान में नहीं बोली, मेरे फर्ज मेरे दरमियान में। चलिए ठीक है शाह साहब, अभी थोड़ी देर पहले भारत के मुसलमानों की बहुत फिक्र हो रही थी, कुछ तस्वीरें आपके लिए निकाली है सर। कॉमन बात ये कि सभी मुसलमान है और ये देश में बड़े बड़े ओहदों पर है या फिर रहे हैं, तस्वीरें देख लीजिएगा ध्यान से।
और इनका ताल्लुक किसी एक पार्टी विशेष से नहीं है, इनका ताल्लुक कई पार्टियों से, अलग अलग पार्टियों से है, कांग्रेस से भी है, बीजेपी से भी है, इनका ताल्लुक कश्मीर से भी है, इन्हें चुनाव लड़ने का उतना ही हक है जितना कि किसी और को, ये खुलकर अपनी बात रखते हैं। और ये थोड़ी देर पहले कौन कह रहा था नरेंद्र मोदी से डरते हैं सब, नादिर गबोल, ये खुलकर अपनी बात बोलते हैं, इनके जो स्टेटमेंट पढ़ते हैं ना आप, वो इसीलिए बोल पाते हैं क्योंकि इस देश में जमहूरियत है, इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन है, देश का सिस्टम, देश का कानून, देश की अदालतें सबकी सुनती हैं। और ये जितने भी नेता हैं पीछे और आगे इनके जनता रहती है, हिंदू और मुसलमान नहीं रहते इनके आगे पीछे। इसलिए आपसे बस इतना कहना है, पाकिस्तान की फिक्र कीजिए, मुआजिरों की फिक्र कीजिए, अहमदियाओं की फिक्र कीजिए, शियाओं की बात कीजिए, और करेंगे तो फिर सोच लीजिएगा क्या होगा उसके बाद, क्योंकि आपका ट्रैक रिकॉर्ड जो है वो दुनिया जानती है। अब इरशाद अहमद, आप बात करिए जमहूरियत की, मैं पूछ रहा हूँ यासीन मलिक भी लीडर है कश्मीरियों का, उसको क्यों जेलों में बंद कर रहे हैं? आपको किसने कहा यासीन मलिक कश्मीरियों का लीडर है? आपसे किसने कहा यासीन मलिक कश्मीरियों का लीडर है? कश्मीरियों का, कश्मीर में चुनाव होते रहे हैं भाई, इरशाद अहमद, इरशाद अहमद, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते रहे हैं, जम्मू कश्मीर में चुनाव होते रहे हैं, जाके देख लीजिए कौन किसका लीडर है, देख लीजिए इतिहास। इसीलिए थोड़ी देर पहले कह रही थी थोड़ा पढ़ा कीजिए, थोड़ा पढ़ लिया कीजिए। मैं पढ़ क्या लिया करूं, अमजद अय्यूब मिर्जा और पाकिस्तानी आईएसआई ने, इनको कोई ये समझा दे, इरशाद अहमद को ये समझा सकते हैं अमजद अय्यूब मिर्जा कि लीडर बंदूक नहीं उठाया करते, लीडर कत्ल नहीं किया करते, लीडर गोलियां नहीं चलाया करते? इन्वॉल्व है भारतीय सेना के अफसरान को मारने में, ये इन्वॉल्व है, हमारा यासीन मलिक से कोई ताल्लुक नहीं है, यासीन मलिक कश्मीरियों का दुश्मन है, यासीन मलिक पाकिस्तान का एजेंट है, और पाकिस्तान अपने एजेंटों के साथ वही करता है जो आप वो यासीन मलिक के साथ कर रहे हैं, कि उसको जो है वो टिश्यू पेपर की तरह अब उन्होंने फेंक दिया है, अब वो भारत की जेल में जो है अपनी बाकी जिंदगी गुजारेगा, और कोई दुनिया में यासीन मलिक के लिए खड़ा नहीं होगा। इरशाद अहमद, यासीन मलिक, जस्ट टू फैक्चुअली करेक्ट यू, इंडियन एयरफोर्स के अधिकारियों का हत्यारा है, ये समझ लीजिए। तो टेररिज्म को, टेररिस्ट को जस्टिफाई करना बंद कर दीजिए, यूएन में भी और टीवी डिबेट्स में भी। पाकिस्तान के बिलावल भुट्टो जरदारी से जुड़ा हुआ तमाशा आपको दिखाया, पूरी बहस आपने देखी, पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान का तमाशा भी हम आपको जल्दी से बता देते हैं। दरअसल ये तमाशा है एक ऑडियो टेप जिसमें कुछ ऐसा है जिसे आम जनता को परिवार के सामने बिठाकर नहीं सुनाया जा सकता। कहा ही जा रहा है ऑडियो में इमरान खान और दो महिलाओं के बीच गंदी बात है, जिनमें से एक महिला इमरान खान की ही सांसद बताई जा रही है। और तीसरी बड़ी खबर के केंद्र में है हिना रब्बानी खान, जिनके बारे में देश में ही सवाल ये पूछा जा रहा है कि तालिबान से बात करने के लिए एक महिला को क्यों भेज दिया। तो सोचिए जरा अभी कहाँ पाकिस्तान की सियासत बुरखे और वही रूढ़ीवादी सोच में अटकी हुई है, जहाँ हिना रब्बानी खार के अफगानिस्तान जाने पर ही सवाल पूछे जा रहे हैं क्योंकि वो महिला है। विदेश मंत्री किसी भी देश की गरिमा का प्रतीक होता है, उसके बोल उस देश को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता दिलवाते हैं, उसका कद बढ़वाते हैं, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी जैसे नेता अगर विदेश मंत्री होंगे तो पाकिस्तान को सिर्फ शर्म झेलनी पड़ेगी। भुट्टो खानदान के चिराग शायद ये नहीं जानते कि वो जिस सड़कचाप भाषा का इस्तेमाल अक्सर करते हैं वो उन्हें अंतर्राष्ट्रीय जोकर का दर्जा तो दिला सकती है, एक मंझे हुए नेता और स्टेट्समैन का अक्स कभी उन्हें नहीं दिला सकती। तो सोचिएगा जरूर, दूसरे मुल्क के साथ बदनीयत रखना बुरा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बुरा उस बदनीयत में बदजुबानी जोड़ना है। बिलावल भुट्टो को ये सबक शायद कभी ना मिले क्योंकि वो हर बार या तो कश्मीर का रोना रोते हैं या फिर भारतीय नेताओं पर व्यक्तिगत हमले की स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हैं। सोचिएगा जरूर, खुद पाकिस्तान में भी अपने ऐसे नेताओं का जमकर मजाक बनता है, वहां के मीडिया में खुलेआम लताड़ा जाता है और ये कहा जाता है कि मुल्क की दिक्कतों को सुलझाने की बजाय कभी बिलावल भुट्टो चटखारे लेते हुए चुटकुले सुनाते हैं तो कभी इमरान खान की निजी जिंदगी के किससे जो है वो पब्लिक हो जाते हैं इमरान खान की निजी जिंदगी के। ऐसे शर्म भरे सियासी माहौल में किसी नेता को गंभीरता से कोई कैसे ले सकता है? बेहतर हो पाकिस्तानी नेता संजीदगी लाएं, साफ गोई लाएं, आवाम की फिक्र करें, अपने देश का नाम रोशन करें, वरना कालिक के ऐसे किस्से रोज सामने आएंगे और पाकिस्तान को सिर्फ और सिर्फ शर्म ही नसीब होगी।